सो हेलो गाइस, नमस्ते, आशीष हियर। सो बहुत दिनों से मैं आपको बता रहा था कि यार आपको जो इंडिविजुअली स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के ऊपर सेपरेटली, तो उनके ऊपर यहाँ पे सीरीज स्टार्ट हो रही है। वो इसका फर्स्ट वीडियो होगा, दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 1 फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में हमें ऐसा टारगेट रखना है कि यार अभी जिसने जीरो से स्टार्ट करा हो, बाहुबली स्ट्रैटेजी जो हमने डिस्कस करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो जा रहा हो बंदा, तो वो एटलीस्ट फिजिक्स में यहाँ पे 30 स्कोर कर ले। ठीक है, क्योंकि अगर फिजिक्स का अगर देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में यहाँ पे फिजिक्स को बहुत टफ मानते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स। मतलब अगर देखा जाए तो 60-70% एस्पिरेंट्स यहाँ पे फिजिक्स को हार्ड मानते हैं पहले से। ठीक है, मतलब एग्जाम से अपियर भी नहीं हुए, पहले ही मान लेते कि यार फिजिक्स हमें हार्ड जाने वाला है। तो उसके केस में यार आप अगर यहाँ पे 25-30 मार्क्स का यहाँ पे टारगेट रखते हो, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर केमिस्ट्री और मैथ्स में अगर आप बढ़िया स्कोर कर लेते हो, तो ये जो 30 मार्क्स रहेंगे ना फिजिक्स के, वो आपको यार बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि ये 30 जो स्कोर है ना, ये भी बहुत लोग कर नहीं पाते स्कोर। ठीक है, बहुत लोग कर ही नहीं पाते, कुछ 10-15 स्कोर कर लेते हैं बहुत सारे लोग फिजिक्स में। तो उसी के ऊपर बात करेंगे कि आप कैसे यहाँ पे फिजिक्स में 30 तक जा सकते हो, उसका एक बढ़िया सा प्लान लेके आया हूँ। आगे जो वीडियो रहेगा वो केमिस्ट्री पे भी हो सकता है, नहीं तो मैथ्स पे हो सकता है, दोनों में से एक होगा। 3 वीडियोस रहेंगे इस सीरीज में, पहला है फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री नहीं तो मैथ्स, और तीसरा रहेगा केमिस्ट्री और मैथ्स में जो भी रह जाएगा वो। ठीक है, तो बात करते हैं। मैं आपको जो भी डेटा यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, जो भी आपको दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। ये जो फाइल है आपको बताया कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा हो तो ज्वाइन कर लो। अगर कुछ पर्सनली वगैरह डाउट करना हो, कुछ शिकायत हो, कुछ भी पूछना हो, तो इंस्टाग्राम पे पर्सनली आ सकते हो और मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, और एक जरूरी बात, हमारा एक ड्रिल होता है यार, ड्रिल सिंपल सा ड्रिल होता है। अगर कोई मुझे यहाँ पे पहली बार देख रहा होगा, सुन रहा होगा इस चैनल के ऊपर, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल होगा आपके लिए। मतलब चैनल से भी ज्यादा ये जो डेज है आपके पास, 13 डेज बचे आपके पास, ठीक है, सॉरी मतलब 13 दिन बचे आपके पास खाली। तो इन 13 दिनों में कैसे करना है, सारी प्रिपरेशन कैसे करनी है, दिन का शेड्यूल क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में किन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी देना है, इस सभी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे के 13 डेज में। 13 डेज में आपसे कैसे प्रिपरेशन करवानी है मुझे अच्छे से पता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा आपका फायदा हो सकता है। ये वीडियो चेकआउट करने के बाद आप जरूर सोच सकते हो कि यार सब्सक्राइब करना है या नहीं, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है अंत में जाके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है या नहीं, इम्प्लीमेंट करके भी देखना, और 3-4 दिन बाद आ सकते हो फिर से कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो कमेंट जरूर छोड़ना है आपको, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है, फीडबैक मिलता है कि यार हाँ हम सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। यहाँ पे मैं आपको जो भी बताऊंगा, मैंने बोला था आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा, सो लेट्स सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। सोच समझ कर मैंने ये ऑर्डर भी रखा है चैप्टर्स का, प्लस क्या करना है, कब क्या करना है, किस डेट पे क्या करना है, कौन से चैप्टर करने हैं, कौन से टॉपिक करने हैं, किस चैप्टर में कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम में आएंगे, इसका भी एनालिसिस मैंने करके दिया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये जो पीडीएफ है, ये जो डेटा है, कैसे हैंडल करना है, कैसे समझना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, सो बात करते हैं 13 डेज फिजिक्स के बारे में। सो यहाँ पे जो चैप्टर्स के मैंने नाम लिखे हैं, तो ये सारे चैप्टर्स नहीं है, जाहिर सी बात है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डू और डाई चैप्टर्स है उन्हीं को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है डेट वाइज। ठीक है, किस डेट पे क्या करना है अच्छे से समझिएगा और फिर ही आपको इम्प्लीमेंट करना है, नहीं तो आप जाके डायरेक्टली पीडीएफ देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, सो फर्स्टली यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, तो ये दो क्या लिखा है, उस सर्कुलर मोशन के आगे दो क्या लिखा है, तो उसमें से आप दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब दो से ज्यादा होते हैं सर्कुलर मोशन में, बट दो तो आपसे बनने ही है। ठीक है, तो दो ये जो 2 मार्क्स के लिए होगा सर्कुलर मोशन, तो वो 22 अगस्त को आपको करना है वो चैप्टर प्रिपेयर। ठीक है, 22 अगस्त मतलब आज के दिन आपको ये आज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आज से ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है, कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 22 डेज यहाँ पे सिंपली सर्कुलर मोशन, 22 अगस्त सॉरी। फिर है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आपको करना पड़ेगा 23 अगस्त को। फिर ऑसिलेशंस,
ऑसिलेशन भी 23 को ही है, ठीक है। मतलब ऐसे एक दो चैप्टर्स है ना जो एक ही दिन में आपको करने पड़ेंगे। सो ग्रेविटेशन और ऑसिलेशन 23 अगस्त को, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन और ऑसिलेशन से 3 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे 24 को, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी 25 को, फिर मैग्नेटिज्म 26 को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 27 को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार है ही नहीं चैप्टर, है ठीक है, कुछ अलग नाम से होगा आपके बुक में, पर आप देखो यार, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, अभी ये दो करके उसके आगे डेट नहीं लिखी है, इसका मतलब क्या है तो आगे देखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स एंड एटम्स, ये तीन मिला के, ठीक है। फिर आता है मॉलिक्यूल्स एंड द न्यूक्लियाई, मतलब ये तीन पार्ट है ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड द न्यूक्लियाई, ये 28 और 29, ये 2 दिन में करना है आपको, ये भी 2 चैप्टर्स, ठीक है। मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई मिला के एक चैप्टर है, और इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स ये सेकंड चैप्टर है। तो ये आपको 28 और 29 में मिलकर करने हैं। तो 28 और 29 के दिनों में आपको यार यहाँ पे 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे फिजिक्स के इस इन चैप्टर्स में से, आप समझ रहे हो बात, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर 30 अगस्त को करना है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम सेम डे को करना है, 30 अगस्त को। और फिर है लास्ट को मैंने रखा है यार, बहुत ही हार्ड जाता है, बहुत सारे लोग को ये चैप्टर हार्ड जाता है, इसलिए मैंने लास्ट को रखा है, क्योंकि जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा जो आपने लास्ट में पढ़ा है ना वो आपको ज्यादा याद रहता है, ठीक है। उसी को मतलब ध्यान में रख के मैंने KTG, दैट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस एंड द रेडिएशन, ये 31 अगस्त को करना है, 31 अगस्त के प्लान है। फिर 1, 2, 3 सितंबर को क्या करना है ये आगे बताऊंगा, ठीक है, तो बने रहिए। तो इसमें से 3 क्वेश्चन बनेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ऊपर के जितने मैंने चैप्टर्स आपको बताए यहाँ पे, तो इसमें से आपको 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 26 मार्क, मतलब फिजिक्स का 1 क्वेश्चन 1 मार्क आ रहा है, तो 26 मार्क्स आपके कैसे भी आने हैं, ठीक है। अगर इतने सारे चैप्टर्स ऊपर के कर लेते हो ना, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि 3 से 4 मार्क आपके एड मतलब ज्यादा आएंगे, ठीक है, ऐड होके आएंगे, क्योंकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो तो पहले से आते ही रहेंगे, अगर ये चैप्टर्स कर लेते हो तब, तो 4 मार्क तो ज्यादा ही आएंगे, तो आप 30 यहाँ पे आराम से टच कर लेते हो। तो अभी मैं आपको जो शो करा रहा हूँ ना, तो जो मैंने ऊपर चैप्टर मेंशन किए जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो उनमें भी, उन चैप्टर में भी यार कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको मार्क्स दिलाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स रहेंगे, डू और डाई टॉपिक्स रहेंगे, चैप्टर नहीं, उन चैप्टर में से भी यहाँ पे मैं टॉपिक ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है। तो ये आप खुद से पढ़ लेना, एक पढ़ के बताता हूँ। सर्कुलर मोशन में आपको सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ द रोड्स, कोनिकल पेंडुलम, देन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड द काइनेमेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ये एक चैप्टर में ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिमिलरली जितने मेरे ऊपर चैप्टर्स बताए हैं, तो उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने सारे मेंशन कर रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आराम से पढ़ लेना यार, डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, आराम से पढ़ लेना। अभी ठीक है, आगे बात करते हैं यार, आगे बात करते हैं। तो ये पढ़ना कैसे है, कब पढ़ना है, इसको टाइम स्लॉट कब बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मॉर्निंग का टाइम रहेगा, जब भी आप उठते हो ना सुबह, आप शेड्यूल बनाते हो कि यार मुझे दिन में ये कंप्लीट करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बोल रखा स्ट्रैटेजी की वीडियोस में, बाहुबली स्ट्रैटेजी में, कि यार आपको करना ऐसे है कि आपको 3 स्लॉट्स बनाने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। और मैंने उसमें बोला था कि जो मॉर्निंग का स्लॉट बनाओगे ना, तो वो स्पेशली फिजिक्स के लिए बनाओ, तो मैंने सेम ही रखा है यार, वही करना है। आप रिजल्ट देख सकते हो, आप रिजल्ट जरूर देखोगे एग्जाम में, ठीक है। मॉर्निंग में आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, मॉर्निंग में आपको फिजिक्स पढ़ना ही है, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह आप जल्दी मतलब जब भी उठ जाते हो ना, तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है, दिमाग में ज्यादा बातें नहीं होती, आपको खाली यही होता है कि यार मुझे दिन भर क्या क्या करना है, ठीक है। तो माइंड फ्रेश होता है, आप कुछ भी यहाँ पे चाय कॉफी वगैरह लेके बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, ये नहाना वगैरह आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके बाद ना आपको जो माइंड सेट होता है ना, बहुत ही फ्रेश माइंड सेट होता है, तो आप स्टार्ट करो विद फिजिक्स, ठीक है। तो मॉर्निंग का आपका जो सेशन रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा, उसमें से जो 2 घंटे है थ्योरी पढ़ना है, आपको थ्योरी पढ़ना है, जो भी मैंने ऊपर मेंशन किया है, जिस मेंशन कर रहे हैं जिस डेट पे भी, तो उसमें आपको 2 घंटा थ्योरी पढ़ना है उस चैप्टर का, और फिर जाके 1 घंटा आपको उसके MCQ लगाने हैं। MCQ 1 घंटा लगाने मतलब आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, तो उसमें भी मैंने आगे मेंशन कर रखा है कि एटलीस्ट उसमें आपको 50 MCQ लगाने हैं उस चैप्टर के, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो उस 2 घंटे में, उसके 50 MCQ आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके आगे मैंने मेंशन करा है कि
30 अनसोल्ड रहेंगे, 30 अनसोल्ड, इसका मतलब ये है कि पी वाई क्यू छोड़ के, ठीक है, पी वाई क्यू छोड़ के आपको जो 30 एमसीक्यू है ना वो आपको अनसोल्ड लगाने हैं, कुछ दूसरे यूनिक यहाँ पे एमसीक्यू लगाने हैं, टारगेट अरिहंत कुछ भी यूज कर लो, ठीक है, पर मेरे हिसाब से टारगेट बेटर रहेगा। तो 30 अनसोल्व करने हैं, और 30 के आगे आप जितने भी करोगे फिर 50, 60, 70, मतलब जब तक आप कर पाओगे तब आपको पी वाई क्यू लगाने हैं, मतलब खाली 30 ही आपको अनसोल्व लगाने, यूनिक लगाने, और फिर बाकी के आपको पी वाई क्यू लगाने हैं उस चैप्टर के, ठीक है, समझिए। फिर आपको इवनिंग में, इवनिंग का मतलब है आप जब आपकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाती है, दिन की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पूरा पढ़ के आप जब नींद लेने जा रहे हो, मतलब सोने जा रहे हो ना, तो उससे पहले आपको 15 मिनट शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं उस फिजिक्स के चैप्टर्स के जो आपने उस दिन करे थे। लाइक आप देख सकते हो कि 22 अगस्त को सर्कुलर मोशन करना था, तो आज रात को सोने से पहले आपको 15 मिनट यहाँ पे उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। अभी शॉर्ट नोट्स कहाँ से, तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे, खाली मैथमेटिक्स का प्रोवाइड करना बाकी, तो वो भी मैं मैथमेटिक्स के स्ट्रैटेजिक वीडियो में यहाँ पे शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। तो फिजिक्स का ऑलरेडी कर रखे टेलीग्राम ग्रुप पे, नहीं तो उसके एक सेपरेटली वीडियो में जाके देख सकती हो, ठीक है। तो वो 15 मिनट आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं उसके, अगर नहीं है तो किसी से मंगवाओ, किसी के तो लो, और नहीं तो हमारे ही ले लो, ठीक है यार, पर आपको करना है, ठीक है। फिर आगे देखना यार, आगे मैंने मेंशन कराया कि जैसे मैंने बोला था आपको कि 1, 2, 3 सितंबर को मैंने मेंशन नहीं करे थे चैप्टर्स, तो उस दिन में आपको क्या करना है, उन दिनों में आपको खाली शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूला शीट्स लगाने हैं, इसका मतलब आपको पढ़ना है, लगाना, क्वेश्चन वगैरह कुछ मत लगाओ। लाइक पी वाई क्यू जो आपसे नहीं बने थे वो आप देख सकते हो, बट आपको यूनिक क्वेश्चंस नहीं लगाना है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, 1, 2, 3 सितंबर को आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूला शीट्स पढ़ने हैं, जो भी आपने जहां से भी खरीदे हो, आपने खुद बनाए हो, कुछ भी हो मटेरियल, आपको शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूला शीट्स पढ़ने हैं खाली, ठीक है, रिवाइज करते रहो बार बार, ठीक है। 1, 2, 3 सितंबर का ये स्ट्रैटेजी रहेगा। 4 तारीख से एमएसटी सीटी एग्जाम्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, हम ऐसा प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। पोस्टपोन वगैरह ये डिपेंड करेगा क्या न्यूज आती है, बट फिलहाल आपको ये 13 डेज का प्लान एग्जीक्यूट करना है गाइस, ठीक है। जो टॉपर लोग हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो भी ये फॉलो करेंगे, और जिन्होंने कुछ पढ़ ही नहीं रखा, अभी स्टार्ट करा था बाहुबली स्ट्रैटेजी के बाद, तो उनको भी यही फॉलो करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाहुबली स्ट्रैटेजी को साइड बाय साइड आपको इंप्लीमेंट करते रहना है गाइस, ठीक है। तो ये था यार, और कुछ मेरे हिसाब से नहीं रहा है। टेस्ट सीरीज की बात रहती है कि इसमें मैं टेस्ट सीरीज कब दूं, तो आपके पास यहाँ पे 13 डेज है ना, तो लास्ट के 5 दिन आपको टेस्ट नहीं देना है, तो यहाँ से जो 7 दिन है, अभी यहाँ से जो 7 दिन यहाँ पे है, तो उसी में आपको 2-3 टेस्ट आप दे सकते हो, बट लास्ट के जो 5 दिन है उसमें आपको टेस्ट नहीं देना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी जो यहाँ से 7 दिन है उसमें आप दो टेस्ट दो, 3 दो, 4 दो, 5 दो, आपकी मर्जी, ठीक है। और ये किस पेस से आपको चलाना है, लाइक मैंने बोला कि 2 घंटे थियरी पढ़ना है, तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि 2 दिन में चैप्टर नहीं होगा तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन करे ना उस पीडीएफ में उस चैप्टर के, तो खाली वही कर लो यार, नहीं होता तो 2 घंटे में वही पढ़ लो, बट करो, ठीक है, एफर्ट लगाओ, एफर्ट से ही मार्क्स आएंगे, हार्ड वर्क से ही मार्क्स आएंगे, ठीक है। स्मार्ट वर्क मुझे बोलोगे कि यार स्मार्ट वर्क कहाँ करें, स्मार्ट वर्क तो मैंने करके दिया ना आपको पूरा यहाँ पे स्ट्रैटेजी की, यार कैसे स्मार्ट वर्क करना है आपको, ठीक है। अगर आपको भी वैसे है यार, आप स्कोर चाहते हो लाइक 120, 150, 170, ये इंप्लीमेंट करके देखना, वर्क करेगा फॉर श्योर, ठीक है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज्यादा वीडियो की लेंथ नहीं रखते यार, यहाँ पे खत्म करते हैं। तो आगे जो रहेगा केमिस्ट्री नहीं तो मैथमेटिक्स पे आएगा, और एक स्पेशल वीडियो आ रहा है, ये नहीं बताऊंगा मैं किसके ऊपर है, बट आपको जरूर पसंद आएगा। तो टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने भी ज्वाइन कर रखी है वो कल से स्टार्ट हो रही है 23 तारीख से, तो वो अपियर करेंगे विद दिस स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी साइड बाय साइड फॉलो करते उनको चलना पड़ेगा। टेस्ट तो खाली यार 3 घंटे का ही होता है, बाकी का टाइम आपके पास रहेगा। अगर कोई कोचिंग में जा रहा है इस टाइम भी, तो यार कोचिंग मेरे हिसाब से अभी छोड़ दो, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा यहाँ पे डिपेंड रहो, बिलीव उस पे ही रखो सेल्फ स्टडी पे, क्योंकि लास्ट के दिन में यार सेल्फ स्टडी ही आपके काम आएगी, कोचिंग काम बिल्कुल नहीं आएगा। किसी भी कोचिंग को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं मैं, बट कोई भी कोचिंग यार लास्ट के दिन में अगर उन पे डिपेंड रहोगे तो यार
अच्छा नहीं होगा आपका रिजल्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है, सेल्फ स्टडी करो इस टाइम पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। सो स्टे टू ऑल्केमिस्ट, और काम करते रहिए, नीचे जो रेड बटन दिया है उसको प्रेस करो। सो बाय।